मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सेवक, आपका मित्र पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने वाला, स्वामी विवेकानंद के सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के पथ पर अग्रसर होते हुए, एकला चलो के नारा देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की भावनाओं से प्रेरित, आप सबों को भी इस भावना से प्रेरित करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है, और आत्मविश्वास तब आता है जब आपको सत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या है? सत्य सत्य है, जो सूर्य और चांद की तरह शाश्वत है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण की तरह वो भी शाश्वत है, वो भी कभी झूठ नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले सत्य का एहसास करिए। ये तभी हो सकता है जबकि आपको सही गुरु मिलें, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु तो मिलेंगे नहीं, आपको अपना गुरु खुद होना पड़ेगा। जिस तरह बुद्ध को देख लीजिए, उनके गुरु खुद खुद थे। दुनिया में कहीं भी उनको कोई ज्ञान देने वाला उतना ज्ञानी मिला ही नहीं, इसीलिए दुनिया में अकेले वो इनलाइटेंड हुए। प्यारे दोस्तों, उसी तरह मैं भी ऐसा व्यक्ति था, लेकिन भाग्यशाली था कि मेरे गुरु राम मिल गए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे सिखाई थी जो आपके लिए भी और आपके होने वाले पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाई मन ही के प्रतीत। तेरा मन दर्पण कहलाए, जिन खो जातिन पाइयाँ घरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। प्यारे दोस्तों, उन्होंने और बताया था कि वेल बिगन इज हाफ डन, मुकद्दर का फैसला होगा जिंदगी के अंतिम मुकाम तक। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जिंदगी के पहले ही कदम से जब मैं प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ, तो मैं बिल्कुल एक एकांतवासी बन गया। मेरे समय हर समय अध्ययन में रहते थे। किताबों को इस तरह से मैं पढ़ता था कि किताब लिख सकता था, और जो लेखक थे वो हमसे सीखते कि मैंने क्या लिखा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उनसे सीखा था। लेकिन सीखने के बाद जब मैं उस पर चर्चा किया, तो उन्होंने कह दिया कि जो लोग किताब लिखते हैं, जो लोग किसी भी विषय पर वक्तव्य देते हैं, उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। और ये मुश्किल नहीं था भाई, जिन खो जातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, क्योंकि मेरे जीवन में ये रोशनी दी गई कि गहराई तक जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, मस्तिष्क की शक्ति है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन रियली अचीव फॉर यू, बट यू टू बिलीव दैट यू कैन डू इट। द लाइफ बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर द फास्ट मैन, बट सून और लेट द मैन हू विंस इज द मैन हू थिंक्स ही कैन, शी कैन, यू कैन, आई कैन, दे कैन, वी कैन। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। देर इज आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। और लोग ज़्यादातर क्या होते हैं भाई? लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, उचक्का, बदमाश, शैतान, नफरत, नाराज़गी के जकड़े में, मकड़े के जाल में फंस जाते हैं, और वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर सबका विनाश करते हैं, और आप अपने आप को तो स्वाहा ही कर लेते हैं। नालायक हिटलर हो या कमीना अलेक्जेंडर हो, खून की नदियाँ भाई, या दुर्योधन कंस रावण हो, अहंकार माँ के दुनिया को ही चुनौती दी और सबका विनाश कर दिया, खुद भी विनाश हो गए। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए आपकी जो जीवन की धुरी है, आपके विचारों पर घूमती है, नाचती है। जिस तरह पृथ्वी की धुरी उसका है, जहाँ की वो स्पिनिंग मोशन देती है और ऑर्बिटल मोशन देती है, इसी तरह अगर आप पृथ्वी की तरह अरबों अरबों लोगों की सुरक्षा के लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अपनी धुरी करो, और धुरी सत्य का हो। ये मेरे दोस्त राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि इफ़ यू मीट समबडी एंड ही इज़ टॉकिंग सो वेल एंड सो ग्रेट एंड सो नोबल, मे बी बुढ़ा, जीसस और सो मेनी ग्रेट पीपल, दे हैव ए पर्टिकुलर पाइवटल एक्सिस एंड दैट इज़ योर ओन थॉट, बिकॉज थॉट इन द माइंड हैज़ मेड यू व्हाट यू आर। बाई थॉट वॉज रॉट एंड बिल्ट, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेज विथ आवर थॉट द मेक द वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आप दूसरों की बात पर मत जाइए। वो लोग आपकी निंदा करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे द्वेष करेंगे। हिंदुस्तान में देख लो, कुछ लोग ऐसे हैं
जो दिन रात हाथ धो के किस महान पुरुष के पीछे पड़े। उस महापुरुष ने विश्व में हिंदुस्तान की छवि और हिंदुस्तान की शक्ति इतने बढ़ाई है, लेकिन वो लोभी लालची कामी क्रोधी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ में ऐसे भरे हुए हैं कि उनसे नफरत करते हैं। हर जगह देखेंगे, मुझसे भी लोगों ने नफरत किया, मुझे क्या क्या नहीं बोला, और खोल के बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को कितनी गालियाँ खानी पड़ती है। लेकिन दुख कछु मानत ना है, क्योंकि उसको बुनियाद बुलंद है, वो जानता है क्या कर रहा है, उसे मालूम है कि वो जिंदा है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारा धुन है, हमारा ताल है, हमारा तरंग है, हमारा उत्साह है, हमारा उमंग है, हम कुछ करना चाहते हैं। मानवता के दिल में प्रेम का प्रकाश, प्रेम का प्रवास, प्रेम का गति उद्वेलित करना चाहते हैं। इसीलिए हम हाथी चले बाजार तो कुत्ता भुगे हजार। जब मैं NMDC में था तो कमी ने कुत्तों से बहुत पाला पड़ा, मुझे बेकार समझा, हर क्षेत्र में हमें अपमानित किया, कभी प्रमोशन नहीं दिया दर्शकों की सेवा के बाद भी। लेकिन मेरी बुनियाद इतनी मजबूत थी, 2 यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ के आया था, IIT में भी हम गुरुओं को पढ़ाते थे, खड़गपुर का छात्र रहा हूँ। अरे सभी मनुष्य हैं यार, वो भगवान थोड़े हैं, भगवान तो मैं हूँ जो खुद पर भरोसा करता हूँ। आप भी भगवान बन सकते हैं, खुद पर भरोसा करो, वो कुछ पाया उसकी मेहनत का फल है, उसने जो बीज बोया उसी का फल है, उससे अच्छा बीज बो, उसे ज्यादा मेहनत करो, उसे ज्यादा सुसूरत रक्त से लथपथ होते हुए न कभी रुको न थमी न कभी मुड़ो न कभी के सामने हाथ फैलाओ। तुम में क्या कम शक्ति है, क्या तुम मनुष्य नहीं हो? यही मेरी भावना है। हमारे गुरु विवेकानंद ने कहा, अगर तुम्हारे आस्था विश्वास तुम्हारी शक्ति में है, पूरे विश्व तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें ललकारे तो चिघार के कहो, मैं कभी झुकता नहीं, मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी मुड़ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सत्य रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि सत्य में जयते। सम गच्छद्वम सम वदद्वम सम मानासि जानताम देवा भाग्यमता पूर्वे संजाना न उपासते। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा उन लोगों को कहा, ए चूहे, ए कमीने कुत्ते की औलाद, तुम अंधे हो, सूर्य की रोशनी से चकाचौंध हो जाओगे, मैं सूर्य हो, तुम अंधकार है, तुम्हें भी प्रकाश देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी शील्ड हो गई है, इतनी गहराई से अंधकार तुम्हें अज्ञानता का घोर लिया है कि तुम मेरे प्रकाश को भी रोक दोगे। प्यारे दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बी ओपन माइंडेड, नेवर बी बायस्ड। What you have read from religions, what you have read from some of the people who have come from generation to generation, century to century, and have given their thoughts in the mind of the millions of the people all around the world, the billions you can say, don't believe any of their thoughts. You have your own mind. Judge them on your own measuring parameter, which has a solid base of truth, justice, peace, love, and non-violence. Kindness, compassion, honesty, integrity, humility, generosity, affection. Their thoughts, are they coherent with all these noble things I have told you? Are their thoughts for the welfare of the mankind? Are their thoughts treating every creature as their own souls? Are their thoughts telling the whole world is my family? Sisters and brothers of America, this monk said, are their thoughts coherent with the thoughts of Swami Vivekananda? Are their thoughts coherent with Subhash Chandra Bose, give me blood, I give you freedom? Be dignified, be honorable, be respectable, because you are rare. That's why this great man says, Ekla chalo re. Nobody will listen to your clarion call. Develop your own fundamentals, values, ethics and morality, and move on that, and try to transform the lives of all the fools who are really ignorant, indolent, thoughtless, dominated by bestial thoughts, groveling thoughts. They are like hyena, tigers, and all the wolves, bloodthirsty. Everywhere it is predominant. The world is an example. War is on. Putin, Zelensky, NATO heads, they are all making the earth hell, destruction of all the resources. But I tell you, peace
सेरेनिटी द ओनली वे व्हिच सेड माय गुरुदेव डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी, द ओनली वे इज सेरेनिटी, द ओनली वे इज लव अफेक्शन काइंडनेस एंड कंपैशन।